हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफ्री ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यहां पर डिग्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हो सकते थे वो मैंने आपको डिस्कस किए थे। स्टूडेंट, आज हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर 20 क्वेश्चन करवाएंगे। ये हमारी डिग्री की प्रैक्टिस सीरीज है। स्टूडेंट, आप यहाँ पर हमारी ऐप पर सेफ्री क्लासेस ऐप पर पेड कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए स्टूडेंट ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जो हमारे ऐप पर पेड स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा पेड कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए स्टूडेंट्स हम ये सीरीज लेकर आए हैं। आइए स्टूडेंट, आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, यहाँ पर इल की उन्होंने आपसे कंपैरेटिव डिग्री को पूछा है। स्टूडेंट, जो हमारा इल होता है उसकी कंपैरेटिव डिग्री हमारी वर्ड्स होती है। हमारे 3 वर्ड होते हैं स्टूडेंट, एक तो हमारा बैड होता है, एक इल होता है, एक हमारा इविल होता है। इन तीनों की कंपैरेटिव डिग्री वर्ड्स और सुपरलेटिव डिग्री वर्ड्स होती है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 2, टिक दी इनकरेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। आपको दिखने में तो बिल्कुल सही लगेगा कि भाई टॉप टॉपर टॉप टॉप मोस्ट, मतलब कि ये टॉप तो हमारी पॉजिटिव डिग्री है, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, और ये स्टूडेंट हमारी यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन स्टूडेंट एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं रिटन इंग्लिश की बात करूंगा, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा, तो ग्रामर में स्टूडेंट ये रूल होता है कि जो हमारा टॉप वर्ड होता है उसका हम या तो पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं या फिर हम उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, उसकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाई जाती। हाँ, अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात करें, इनफॉर्मल इंग्लिश की बात करें, तो वहाँ पर टॉपर लोग बोलते हैं, यूज भी करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिशन की ग्रामर की बात करें और हम रिटन एग्जाम की बात करें, तो वहां पर स्टूडेंट इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा कि जो टॉप होता है हमारा वो पॉजिटिव डिग्री होती है, और जो टॉप मोस्ट होता है वो उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। टॉपर यानी इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो नहीं बनाई जाती, केवल इस वर्ड की 2 ही डिग्री बनती है, या तो पॉजिटिव और या फिर सुपरलेटिव, कंपैरेटिव बनती ही नहीं है। इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये वाला पॉइंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ही इज वाइज एंड टॉल, वाइजर एंड टॉल, वाइजेस्ट एंड टॉलर। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं 2 चीजें आपको बताना चाहूंगा। जब भी हम एंड से कोई भी 2 डिग्री जोड़ते हैं स्टूडेंट, तो वो इक्वल रैंक की होनी चाहिए, या तो वो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, या फिर वो दोनों कंपैरेटिव होनी चाहिए, या फिर वो दोनों सुपरलेटिव होनी चाहिए। तो इन तीनों ऑप्शन में देखिएगा जो इक्वल रैंक की 2 डिग्री है वो कौन सी है। स्टूडेंट, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, ये भी हमारी पॉजिटिव डिग्री है, ये तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, और ये कंपैरेटिव है। इसका मतलब यहाँ पर इक्वल रैंक की जो डिग्री है स्टूडेंट, वो ए ऑप्शन में है। तो हमारा होगा ही इज वाइज एंड टॉल, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यू आर द रिचेस्ट एंड ब्रेवेस्ट। यहाँ पे इन्होंने दोनों सुपरलेटिव डिग्री को एंड से जोड़ा हुआ है, और द टॉलेस्ट और द टॉल। स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपका डी ऑप्शन होगा, नन होगा। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो दोनों कंपैरेटिव, ये तो हमारी दोनों सुपरलेटिव डिग्री है, एंड के साथ में जुड़ी हुई है, फिर आपने इस वाले ऑप्शन को सही क्यों नहीं माना। स्टूडेंट, यहाँ पर इसमें एक बहुत ही, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक बहुत ही बारीक सी मिस्टेक दी हुई है। स्टूडेंट, यहाँ पर इन्होंने स्टूडेंट आर्टिकल का यूज किया हुआ है तीनों ही ऑप्शन में, ध्यान देंगे। और जबकि स्टूडेंट यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में इन्होंने यहाँ पर नाउन नहीं दिया है। जब स्टूडेंट यहाँ पर नाउन नहीं है, तो नाउन की एब्सेंस में मैं किसी भी एडजेक्टिव के साथ में कभी भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर, अगर स्टूडेंट यहाँ पर दान होता तो मैं रिचेस्ट और ब्रेवेस्ट ऑप्शन को सही मान लेता। तो चूंकि यहाँ पर आर्टिकल दिया हुआ है, इसलिए सभी ऑप्शन हमारे रॉन्ग हैं, तो यहाँ पर हमारा नन ऑप्शन होगा। चूंकि आर्टिकल का यूज हम तब करते हैं स्टूडेंट जब किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव के साथ में नाउन दिया गया होता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, इट इज कंपैरेटिवली। स्टूडेंट, जब हमारा कंपैरेटिवली वर्ड होता है, इसके साथ में हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, और इसे उन्होंने पूछा है कि पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। तो मतलब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे सही पॉजिटिव डिग्री का ऑप्शन ढूंढना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारी डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री से हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री में, तो पॉजिटिव डिग्री के लिए उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं स्टूडेंट यहाँ पर आपको, तो बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज गुड एज इंडिया, ये तो नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट वेरी फ्यू से
जब बनाया जाता है सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में, जब सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द आया हुआ हो, आप ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पे वन ऑफ द आया हुआ होता तो ये पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता। लेकिन स्टूडेंट जिस सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं आता, केवल सुपरलेटिव डिग्री हमारी द बेस्ट आई हुई होती है, मतलब बेस्ट के अलावा कोई और भी सुपरलेटिव डिग्री हो सकती है सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस को नो अदर से बनाते हैं। तो नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज गुड एज इंडिया, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका ये भी ऑप्शन ठीक होगा। सुनील इज एज गुड एज आई, तो स्टूडेंट इसका हमें, ये स्टूडेंट हमारा पॉजिटिव डिग्री है और इसे हमें यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री में बनाना है, तो इसका कंपेरेटिव डिग्री बनेगा स्टूडेंट आई एम नॉट बेटर देन सुनील, क्योंकि स्टूडेंट अगर किसी भी सेंटेंस में हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा नोट नहीं होता तो कंपेरेटिव बनाते समय उसमें नोट लगाया जाता है, और अगर पॉजिटिव में नोट होता है तो कंपेरेटिव बनाते हुए उस नोट को हटा दिया जाता है। वो रूल्स आप एक बार देख लीजिएगा डिग्री को किस तरीके से चेंज किया जाता है, वहां पर मैंने सारे रूल आपको डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ए ऑप्शन होगा, आई एम नॉट बेटर देन सुनील, क्योंकि इस सेंटेंस में नोट नहीं है, कंपेरेटिव जब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पे हम नोट लगाएंगे, तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। आइए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंग्लिश, इस सेंटेंस को स्टूडेंट हमें कंपेरेटिव डिग्री में बनाना है और ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इन्होंने कंपैरेटिव डिग्री के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसे फाइंड आउट करना है। शेक्सपियर इज ग्रेटर पोएट इन इंग्लिश, ये तो नहीं होगा। शेक्सपियर इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स इन इंग्लिश, देखिए स्टूडेंट जब किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ द आ जाता है तो वहां पर स्टूडेंट्स हम लोग मोस्ट अदर के बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। तो शेक्सपियर इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स इन इंग्लिश, दिस सेंटेंस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा सुपरलेटिव से बन गया कंपेरेटिव डिग्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नंबर 9, यू आर द बेस्ट सिंगर इन इंडिया, स्टूडेंट ये भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस है और हमें इसे कन्वर्ट करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो स्टूडेंट यू आर बेटर देन एनी अदर सिंगर इन इंडिया, तो इसका स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ठीक होगा। देखिए स्टूडेंट जब भी सेंटेंस को हमें सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना होता है तो हमें 2 पॉइंट को याद रखना है। अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ द आया हुआ होता है तो वहां पे स्टूडेंट हम लोग मोस्ट अदर के बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, और स्टूडेंट अगर ई सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं आया हुआ होता, खाली वहां पर सुपरलेटिव डिग्री आई हुई होती है, तो फिर हम उसे कंपेरेटिव डिग्री बनाते समय वहां पर एनी अदर का प्रयोग करते हैं और एनी अदर के बाद में स्टूडेंट हम नाउन यूज करते हैं सिंगुलर। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन 9 का जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ये सुपरलेटिव से बन गया है हमारा कंपैरेटिव डिग्री में, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अ वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज रिच एज अमेरिका, स्टूडेंट ये जो सेंटेंस है हमारा ये पॉजिटिव डिग्री का है और हमें इसे कन्वर्ट करना है सुपरलेटिव डिग्री में, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन तीनों ऑप्शन में से हमें जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट उसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हमारी वेरी फ्यू से होती है और वो सेंटेंस हमारा क्या होता है पॉजिटिव डिग्री वाला होता है, तो फिर निश्चित रूप से स्टूडेंट जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस होगा उसमें आएगा वन ऑफ द। तो देखिएगा कौन से पार्ट में आपका वन ऑफ द आया हुआ है, वन ऑफ द यहाँ पर आया हुआ है, तो अमेरिका इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक होगा। अगर स्टूडेंट ये नो अदर से बना होता कि नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज अमेरिका, तो फिर हमारा ये वाला ऑप्शन सही होता, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो देखिए स्टूडेंट इस वाले सेंटेंस को जब हम पॉजिटिव में बनाएंगे तो हम इसको नो अदर से बनाएंगे और वन ऑफ द अगर ये सेंटेंस में आ जाता है तो फिर हम उसे पॉजिटिव बनाते समय ए वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन ठीक होगा। टेक द करेक्ट ऑप्शन, देखिए स्टूडेंट ही इज एज टॉलर एज आई, देखिए स्टूडेंट जो एज और एज का प्रयोग होता है वो कभी कंपैरेटिव डिग्री के साथ में नहीं किया जाता, ये ऑप्शन तो गलत है। He is as tallest as I, और हम as और as का प्रयोग हम स्टूडेंट सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी नहीं करते, ये तो गलत हो गया। He is as tall as I, हम इसका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ में करते हैं as as का, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी ठीक होगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर पूछा गया है एल्डर की पॉजिटिव डिग्री, स्टूडेंट जो एल्डर होता है वो रिश्ते में बड़ा होता है और स्टूडेंट इसकी जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है स्टूडेंट वो ओल्ड होती है,
तो ऑलरेडी हमारी स्टूडेंट दो कंपैरेटिव डिग्री बनती है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। बात समझ लीजिएगा ध्यान से, जैसे कि हमारा ये ओल्ड है तो ये तो स्टूडेंट हमारी पॉजिटिव डिग्री है, और स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहूं तो एक तो स्टूडेंट इसकी बनती है एल्डर और एक बनती है स्टूडेंट इसकी ओल्डर। तो जब कोई इंसान आपसे रिश्ते में बड़ा होता है तो उसके लिए हम एल्डर का इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा होता है, एज में, आयु में बड़ा होता है, उसके लिए हम लोग ओल्डर का प्रयोग करते हैं। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है एल्डेस्ट और इसकी बनती है ओल्डेस्ट। तो याद रखना है कि एल्डर की जो पॉजिटिव डिग्री होगी वो ओल्ड होगी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट, ही इज टू ऑल हिज फ्रेंड्स। स्टूडेंट यहाँ पे दिया है मोर जूनियर, जूनियर, मोस्ट जूनियर। स्टूडेंट देखिएगा, जूनियर के पहले हम ना कभी मोस्ट लगाते हैं और ना ही हम मोर लगाते हैं, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, जूनियर होगा। तो ही इज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स, और जूनियर के साथ में, सीनियर के साथ में, और एल्डर के साथ में, यंगर के साथ में, इनके साथ में स्टूडेंट हमेशा हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर टू आया हुआ है तो हमारा यहाँ पर स्टूडेंट जूनियर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, शी इज गर्ल। स्टूडेंट ये हमारा नाउन है, तो देखिएगा जब हम किसी भी नाउन की विशेषता बताने के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग करना चाहें और वो सुपरलेटिव डिग्री में हो तो हमें वहां पे द आर्टिकल का प्रयोग करना होगा, मगर एक आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, दो आर्टिकल का प्रयोग करना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर नाउन है स्टूडेंट, तो हमें द वाइजेस्ट एंड द टॉलेस्ट, ये हमारा ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इसमें दो आर्टिकल दिए हुए हैं, ये सुपरफ्लुअस है स्टूडेंट, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। द वाइजेस्ट एंड टॉलेस्ट स्टूडेंट हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो शी इज द वाइजेस्ट एंड टॉलेस्ट गर्ल, दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर इनफ, स्ट्रॉन्गेस्ट इनफ और स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स। स्टूडेंट लिफ्ट माने होता है उठाना, मतलब कि ये लड़का काफी काफी मजबूत है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग है इस बॉक्स को लिफ्ट करने के लिए, अर्थात इसको उठाने के लिए। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, कभी भी जो इनफ का प्रयोग होता है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ में होता है और हमेशा एडजेक्टिव के बाद में होता है, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक होगा। यहाँ पर क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में इनफ का प्रयोग नहीं होता, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में इनफ का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये वाले ऑप्शन हमारे गलत है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इसमें से हमें एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट माइजर नाउन होता है, कंजूस व्यक्ति, ए माइजर ये भी आपका नाउन है, तो स्टूडेंट जो माइजरली है ये आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कंजूस। दिखने में तो आपको ये लगेगा एडवर्ब, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ये हमारा एडजेक्टिव है। इस तरह के हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारा स्कॉलरली होता है, निगार्डली होता है, एक हमारा कॉर्डली होता है, इसी प्रकार हमारा माइजरली होता है, मदरली, फ्रेंडली, तो कुछ वर्ड होते हैं स्टूडेंट जिनमें एलवाई लगा हुआ होता है और वो एलवाई लगा होने के कारण हमें एडवर्ब दिखाई देते हैं, लेकिन स्टूडेंट वो एडवर्ब नहीं होते, वो एडजेक्टिव होते हैं। वो एडजेक्टिव का और एडवर्ब का जो टॉपिक मैंने आपको टीच किया हुआ है उसको आप वहां पे देख लीजिएगा, वहां डिटेल आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, यू लुक। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं लुक की बात करूंगा तो जब हम लुक वर्ब का प्रयोग स्टेट ऑफ बीइंग, अर्थात जब हम स्टेट ऑफ बीइंग के सेंस में करते हैं स्टूडेंट, तो वहां भी इसके साथ में हम एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं। तो यू लुक हैप्पी, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, आप खुश लगते हो, खुश दिखते हो, इसका मतलब यहाँ पे जो लुक वर्ब है स्टूडेंट वो आपको किस सेंस में यूज की गई है, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कि आप क्या हैं, मतलब आप खुश हैं, तो आपका खुश होना यहाँ पर दर्शाता है स्टूडेंट आपकी इस सेंटेंस में स्टेट ऑफ बीइंग आपका होना। तो देखिएगा स्टूडेंट, दिस बॉय हैज ग्रोन, स्टूडेंट यहाँ पे भी आपका स्टेट ऑफ बीइंग है, has grown wise, तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। ये लड़का क्या बन गया है, क्या हो गया है, ये लड़का बुद्धिमान हो गया है, तो यहाँ पर स्टूडेंट स्टेट ऑफ बीइंग की सेंस में यूज किया गया है, तो एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। ही बिकेम रिच, यहाँ पे भी आपका एडजेक्टिव का प्रयोग होगा क्योंकि ये भी आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। ही स्पेंट मनी, उसने पैसा खर्च किया, माइजरली तो स्टूडेंट एडजेक्टिव है और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, ये तो हमारा नाउन है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा एडवर्ब होगा इन अ माइजरली मैनर। तो ही स्पेंट मनी इन अ
miserly manner. तो student यहाँ पे आप इनका प्रयोग भी कर लीजिएगा, तो sentence बनेगा he spent money in a miserly manner. ये sentence हमारा grammatical correct हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा C option ठीक होगा. तो आई होप स्टूडेंट डिग्री के जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, ये कोर्ट के टॉप क्वेश्चन थे स्टूडेंट. इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, इसकी प्रैक्टिस करें. तो चलिए स्टूडेंट, ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट.